तय किया था, 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है, 2:30 बजे सीडब्ल्यूसी के सदस्य सुदीप बर्मन और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय विशालगढ़ में कैंडिडेट के कैंडिडेचर के लिए ये लोग फाइलिंग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए साथ में जा रहे थे और कैंडिडेट बुरी तरह से फट गया है, आशीष के ऊपर सुदीप जी के ऊपर हमले हो चुके हैं, उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन काफी लोग जो है वहां पर, एक महिला कैंडिडेट भी थी शिल्पी सरकार, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, इस्लाम भाई और अन्य। तो आपको एक छोटा सा वीडियो हम दिखाना चाहते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये असली जंगल राज जो इंडिया में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, पूरे देश में जंगल राज है। बिहार में एक वरिष्ठ नेता का पिता की हत्या हो जाती है, मणिपुर में 221 लोग की मौतें हो जाती है, 60,000 लोग बेघर हो जाते हैं। तो जंगल राज का जो है डॉन श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। तो ये वीडियो को देख करके उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें आपके सामने। थैंक यू। আজকে আমাদের অরবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই পার্টি অফিসটা আজকে উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল, পাশাপাশি আজকে বিজেপি দল ভেঙে আরো অন্তত সৎখানেক লোক আমাদের দলে যোগদান করার একটা প্রোগ্রাম কর্মসূচি নেওয়া ছিল আগে থেকে। বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্ত বাহিনী জেমস হক ফিরদোস মিয়া ওদের মাইনরিটি মোর্চার বোধহয় মন্ডল সভাপতি থ্যাংক ইউ। অব আগর হম ওয়াকে জো ভিডিওস আপকো অসলি ভিডিওস দেখায়েঙ্গে তো ও लोग उसको देख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ने जो असली हिंसा का वीडियोस नहीं चलाया। बट एक चीज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा का जो साइज है वो करीब करीब दिल्ली का एक लोकसभा के बराबर है, जस्ट वन लोकसभा का साइज है। उस छोटे से क्षेत्र में 2 लोकसभा के सीटें, लेकिन वैसे जो है पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी वाइज 1-1.5 लोकसभा से ज्यादा नहीं है, 2 भी ले लीजिएगा। उस छोटे से राज्य में जिस तरह के वायलेंसेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस, तो आज जम्मू कश्मीर में जो 4 हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए एक चीज आपको याद दिलाना चाहेंगे, एक तरफ टेररिस्ट एक्टिविटी है, यह हत्या जो है आतंकवादियों के द्वारा हुई है जम्मू में, मणिपुर और त्रिपुरा में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, गंभीरता से सुन लीजिए, ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इस देश में एकाध कभी कभी प्रदेश में हुए हैं, पहले भी हुए थे बहुत छोटे से, लेकिन इस व्यापक रूप से अगर सरकार हिंसा में अगर शामिल हो रही है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारने में,
इतने बड़े पैमाने में इस देश में कभी नहीं देखा है। भारत जलाओ पार्टी, भारत जहरीली पार्टी इस देश को इस कगार पर ले जा रही है कि जो है उससे वापस आना बहुत ही मुश्किल है। वायलेंस जो है, हिंसा एक पॉलिटिकल कल्चर बन रही है इस देश में। लगातार कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता के हमले हो रहे हैं। राहुल जी जब मणिपुर गए थे तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा है, हम लोग भी नहीं सोच रहे थे। अब त्रिपुरा जो इनके पेट भरा नहीं है मणिपुर से, अब जो है ये त्रिपुरा में इस तरह के जो है आतंकवादी गतिविधि शुरू कर दिए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग इट वेरी सीरियसली टू ऑल ऑफ यू, इट इज स्केरी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और त्रिपुरा कभी न्यूज में जो है कम आता है। आप सोचिए दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल में जो हमले हुए थे, त्रिपुरा में रोज ऐसे 20 घटनाएं हो रही है, और दिल्ली जो है त्रिपुरा से 7-8 गुना बड़ा है। लेकिन त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट की आवाज पहुंच, और आप लोग सब लोग यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये रोज की घटना है त्रिपुरा में। हम तो अपने आप भुक्तभोगी हैं, तो फर्स्ट हैंड अकाउंट बता सकता हूं, जबरा तोड़ दिया, सब तोड़ दिया पिछले चुनाव में। एंड ये डायरेक्टली अमित शाह और मोदी जी की जिम्मेदारी, और ये कराते भी हैं। अगर कोई ये बताए कि ये कराते नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है। क्योंकि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमला करने वाला बीजेपी के लोग हैं, और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि मणिपुर में स्थिति जो सेंचुरी से मैती और कुकी समाज के बीच में जो है संबंध अच्छा था, हिंसक कभी नहीं था, राजनीतिक सत्ता पाने के लिए मैती और कुकी के बीच में इन्होंने लड़ाई करा दिया। प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। उनका गणित था कि मैती के सीट ज्यादा है, हिल्स में कम है, लड़ाई करा तो सत्ता में जिंदगी भर रहेंगे। तो देर बात कर लिया एक बॉर्डर लाइन स्टेट को सिर्फ मणिपुर में सरकार बनाने के लिए। ये खेल अब त्रिपुरा में शुरू हो गया है, बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स। सत्ता में आए, देश जल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ कम्युनल वायलेंस अगेंस्ट, फिर से शुरू हो रहा है त्रिपुरा में, पॉलिटिकल वायलेंस टू गेन पावर। उनका गणित है कि नॉन ट्राइबल वोट अगर एक तरफ कंसोलिडेट होगा तो हम सत्ता में आ जाएंगे, वही चाल उन्होंने, और देश बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए, त्रिपुरा अगेन इज अ बॉर्डर स्टेट विद बांग्लादेश, मणिपुर इज अ बॉर्डर स्टेट विद बर्मा। इंडिया विल बिकम डिवाइडेड, इट इज वेरी सीरियस। एंड समो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग इसको पहुंचाने के लिए, हो सकता है कि हम हमारे वीकनेस है, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट विल बिकम अनसेफ। ऑलरेडी जो भारत के खिलाफ जो एलिमेंट्स है बॉर्डर्स में, उसके खिलाफ जो हम लोग को सतर्क रहनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि आपको लिस्ट पढ़ा के बता दूं कि कितनी हिंसा हुए एक महीने के अंदर, पर लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आधा घंटा तक चल जाएगा। पर नाम पूछ लेता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का हार्ट कट गया है, मंटू सिंह हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष है, अभी हॉस्पिटल में है, उनके ऊपर सीवियर इंजरी से जो है भर्ती हो चुके हैं। कल्याणपुर ब्लॉक में जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रशांत चौधरी और गीतांत वर्मा को बुरी तरह से पीटा, ये एक महीना का न्यूज है बस, ओके, इट इज ओनली जुलाई। कार्तिक देवनाथ को 7 जुलाई को जो है ऑल मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग में वहीं पर पीट दिया। गौतम साहा को दुकली ब्लॉक में 8 जुलाई को मारा। 8 जुलाई को उत्तम पाल हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट को बुरी तरह से पीट पीट करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, ये तिपानिया ब्लॉक का है। 12 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यालय तोड़ दिया और जला दिया। ये सिर्फ एक ही कारण है कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, ओनली फॉर पंचायत इलेक्शंस। बादल शील साहब सीपीएम आई के कैंडिडेट थे, साउथ त्रिपुरा जिला परिषद के, उनको उतनी बुरी तरह से मारा कि वो जीबी पंत हॉस्पिटल में उनका मौत हो गया। फॉर अ कैंडिडेट टू फाइल नॉमिनेशन, आप समझ जाइएगा कि आपको जो है एक प्लटून चाहिए त्रिपुरा में
वार्ड के चुनाव के लिए, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। ये लोकतंत्र है। इफ यू आर फाइलिंग अ नॉमिनेशन यू आर किल्ड। दिस इज मोदीज न्यू इंडिया सर, दिस इज अमित शाह न्यू इंडिया। ओनली टू गेट विन पंचायत इलेक्शन, ओनली टू बिकम अ पार्टी इन त्रिपुरा। एंड माई यू नो जो लोकतंत्र जो बेसिकली जो पंचायत चुनाव से लेकर के जो वो लोग जीतते हैं फिर विधायक बनते हैं फिर एमपी बनते हैं, उनकी हत्या हो रही है। टिंकू रॉय साहब जो इनके मंत्री हैं वो जाते हैं गंडत वीसा एक जगह ट्राइबल जगह, वहां पर एक परमेश्वर रियांग एक ट्राइबल लड़का को मारपीट के साथ मारपीट हुई। उस बच्चे की मौत दूसरे दिन जो है अस्पताल में होता है, हो जाती है अगरतला में। मंत्री जी जाते हैं और मंत्री जी के जाने के बाद दंगा होता है और 50 दुकानें जला दिया जाता है। मिनिस्टर गोस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी टिंकू रॉय एंड देन पोस्ट दैट थिंग, देयर इज 50 शॉप्स एंड हाउसेस बर्न्ड। दिस इज वर्स देन सोमालिया सर। मोदी कीप सेइंग विश्व गुरु, इट इज विश गुरु, पॉइजनस। And my heart bleeds because these are simple people. कोई जो है दुकान में टेलर है, कोई बारबर है, कोई है, और वो चुनाव लड़ रहा है, कोई गाय वाला है, और उस वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको विश्वास है कि इस देश में अगर हम नॉमिनेशन भरेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और अब चुनाव जो है निष्पक्ष चुनाव ईमानदारी के साथ बिना हिंसा का लड़ सकते हैं। लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया कि जो है जो भी उनके खिलाफ लड़ेगा उनको हम मारेंगे। तो लगातार जिस तरह की जो हिंसा हो रही है, इट इज अनबिलीवेबल। तो मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आप लोग ने बहादुरी से मणिपुर को भी कवर किया है, और हम आपके आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो टू त्रिपुरा एंड प्लीज इवन इफ यू कैनॉट चेंज इट एटलीस्ट कमिसरेट, कम से कम जो है हमदर्दी जताइए क्योंकि इट इज रियली इम्पॉसिबल। आई नो दी कारण। मैं तो अपने हम लोग जांच के लिए गए थे, 6 एमपी का टीम, आपको याद होगा 2022 में पोस्ट इलेक्शन, उस एमपी का टीम का जो है बाल बाल वो 6 एमपी किसी तरह से जो है जिंदा बच के निकल गए। मैं तो था उस मीटिंग में। अचानक जो 2000 की भीड़ आया, गाड़ी की सभी गाड़ियों की शीशा तोड़ दिया, हम भागे। This is with the members of parliament. Imagine if you are a small shopkeeper who believes in this Indian constitution and wants to fight an election and you're killed because you are against the Bharatiya Janata Party. ये है भारत का जो त्रिपुरा का असली कहानी। ये देश में ये त्रिपुरा से त्रिपुरा में मणिपुर से शुरू हुआ, त्रिपुरा को लपेट लिया, पूरा देश को इसी तरह से लपेट लिया क्योंकि इनको हिंसा by nature, इनके डीएनए में नाथूराम गोडसे हो, दंगा कराना हो तो इनके डीएनए में ही है, जन्मजात दंगाई है। हाँ, कंजेनिटल, क्योंकि हिंदी का अनुवाद उतना उचित नहीं होगा लेकिन तभी सुनने में तो अच्छा है, जन्मजात दंगाई है, हिंसा पर विश्वास करते हैं। सो फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अवर स्टेट प्रेसिडेंट आशीष शाह ने लगातार डीजीपी से वार्तालाप करते रहे हैं, कुछ नहीं होता है। हम जब उसके उस स्टेट के प्रभारी थे, गोपाल रॉय साहब थे, जब हमला हुआ था तो ये हमारे साथ थे। कांग्रेस भवन को तोड़ दिया, सरिता का जो है पैर बार, कितने बार हुआ है सरिता के ऊपर हमला, और हम लोग सुरक्षित है। इफ यू आर अ कॉमन वर्कर इन त्रिपुरा द चांसेस ऑफ यू डाइंग इज एक्सट्रीमली हाई। Hands are cut, houses are burnt, hands are cut, chopped off. They ransacked Mr. Gopal Roy's house. So, दो लोक सभा के प्रदेश है और violence जो है वो यूपी से ऊपर है, यूपी भी कम नहीं है, योगी के यूपी में भी भयंकर क्राइम है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लगातार लड़ते रहेंगे, लेकिन आपका जो माध्यम से, जो प्रेस के माध्यम से इसको अगर आप उजागर करेंगे पूरे देश भर में कि ये क्या हो रहा है, मोदी शाह का जो जोड़ी है
और मोदी शाह का जोड़ी किसी ने हमको भेजा था, ब्रश दो जोड़ी पार्टी है, मोदी शाह और मोदी एंड शाह, ब्रश बीजेपी, ब्रश दो जोड़ी पार्टी, ये दोनों को मतलब ही नहीं है, सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और सत्ता चाहने के चक्कर में कुछ भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर यदि कोई सवाल हो इससे संबंधित तो उसके बाद किसी और चीज से भी हम उसके जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मामूली सी दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, दो समुदायों के बीच में 7 तारीख को, उसके बाद इतना बड़ा रूप धारण किया, क्योंकि आप पुलिस वाले रहे हैं तो कहाँ लगती है कमी है, क्या पुलिस नहीं देती है या सरकार उसको दबाती है? नहीं, त्रिपुरा में जो हुआ घटना के बारे में, जो रियांग वाला, जो परमेश्वर रियांग वाला घटना है, ये लड़का ट्राइबल है। एक चीज आपको मालूम नहीं होगा, विरोध क्यों हुआ था उस इलाके में, वहां पर बहुत ही सब लोग बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, गरीबी बहुत है, मनरेगा का पेमेंट्स टाइम पर नहीं हो रहा था। उस समय बीजेपी ने एक आनंदो मेला जो है, क्योंकि ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिस जगह में ये परमेश्वर रियांग का जो घर है वहां पर भूखमरी की स्थिति है, नौकरी नहीं मिल रही है, मनरेगा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग विरोध कर रहे थे, तो सरकार ने एक आनंदो मेला का जो है उद्घाटन करके एक मेला शुरू किया वहां पर। उस विरोध में तो जो है खड़े हो गए कि यार आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, मनरेगा का पैसा बचा है, स्कूल में जो है मिड डे मील की जो स्थिति खराब है, और आप मेला करके क्या कर रहे हो, हम लोग तो भुखमरी की पूरी और पूरा ट्राइबल एरिया में स्थिति है। तो वहां के ट्राइबल्स ने विरोध किया था कि ये आनंदो मेला को मत कीजिए, उस पैसे से जो है गरीब लोग को बांटिए, वो स्थिति वहां की बहुत ही नाजुक है। लड़ाई वहां से शुरू हुई और वो लड़का उसमें लीड लिया, तो इन लोग ने उसको, भाजपा वाले ने आनंदो मेला जो ऑर्गेनाइज करते उसको पीट दिया। सिर्फ यही था, विरोध कर रहा था कि ये मेला मत कीजिए, स्थिति बहुत खराब है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, प्लीज यू नो डोंट डू दिस, हमको पैसा दे दीजिए, हम लोग सब ये यहां की स्थिति। उसी ट्राइबल नॉन ट्राइबल के लड़ाई में जो है 50-60 लोग ने घेरा उस लड़के को, मारा, यंग बॉय था, मुझे पता नहीं 24-25 का होगा, इफ आई रिमेम्बर द डिटेल्स, वो चेक करना पड़ेगा। ये स्थिति है। जी सर, अजय जी, धलाई गांव में जो हिंसा हुई उसके बाद 300 लोग जो है घर छोड़कर हट गए हैं, अभी रिलीफ कैंप में हैं, क्योंकि वहां अभी एक दिन पहले टिंकू राज वहां के मंत्री मिलने गए, लोगों ने उन्हें भगा दिया, बड़ा गुस्सा था। अब जो 300 लोग हैं वो घर आने को तैयार नहीं, कांग्रेस उनके पुनर्वास के लिए क्या करेगी, क्योंकि मंत्री के उससे बात करते नहीं, मंत्री गए टिंकू राज, उन्हें लोगों ने भगा दिया। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, हु विल प्रोटेक्ट द ग्रास फ्रॉम द फेंस। जब सरकारी हिंसा में जो पूरी तरह से शामिल है और सरकार के हाथ में पुनर्वास जो नो रीसेटलमेंट के जो है पूरे शक्ति और पावर्स है, आपने मणिपुर में देखा अभी भी 60,000 लोग जो है कैंप्स में है, पीपल हैव लॉस्ट फेथ। अब कांग्रेस जो है रिलीफ मेजर, हम तो सरकार में नहीं है, हम चावल बांट सकते हैं, बातें को उठा सकते हैं, और आपके साथ जो है इस सरकार के जो है इस पापी सरकार और मोदी जी और अमित शाह को जगाने का कोशिश कर सकते हैं। बट एब्सोल्युटली राइट, जैसे अगर दरोगा जी जो है रेपिस्ट है तो कौन लड़की उस थाने में जाकर कंप्लेन करेगा? अगर वो सरकार के थाने के सामने घटनाएं हो रही है, पुलिस के माध्यम से हो रही है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो लड़का मर गया है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो क्या, किस आधार पर वो सरकार से उम्मीद करें? बहुत ही खराब स्थिति है। आई सी दैट इन मणिपुर, आई सी दिस इन त्रिपुरा, एंड आई सी इट हैपनिंग इन रेस्ट ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई आई सेड दे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। द भारतीय जनता पार्टी शुड बी, यू नो, दे कीप यूजिंग गवर्नमेंट, दे आर एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, बिकॉज दिस इन त्रिपुरा इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। Crime I can understand, but I can't understand government being involved in. And these are all government people. Tinku Rai, then जो हमको पत्थर वत्थर चलवाया था, क्या नाम था? सुशांतो. They are all minister. They win elections, but they're actual criminals. Even criminals will feel ashamed. They have got such long history sheets. अजय सर,
आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो आपको ये लगता है एक फिट केस है कि जहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सरकार की बर्खास्तगी की मांग होनी चाहिए, और आप इंडिया ब्लॉक, अब तो लेफ्ट भी एक और वहां पार्टी है जो इंडिया ब्लॉक में है कुछ राज्यों को छोड़ के नेशनल लेवल पे, और साथ साथ प्रद्युत मानिक की जो पार्टी है, उन सब को आपको एक साथ लेके आप लोग इसको ऊपर के जो और ऑप्शंस है राष्ट्रपति के पास जाने का और सरकार की बर्खास्तगी की मांग का, और अब तो संसद सत्र भी आ रहा है, इसको आप आगे उठाएंगे क्या? देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि मणिपुर का उदाहरण जो है सबके सामने है। हम कितने बार गए राष्ट्रपति के पास, कितने बार ये मामला को उठाए, ये लोग बेशरम है। देखिए, अगर बेशरम है तो इसका कोई इलाज नहीं है, नो शेम एट ऑल, आई मीन दे वर्ल्ड रिकॉर्ड इन शेमलेसनेस। बेशरम है, कोई क्या कर लोगे, मरा मरा बोलते, मरा नहीं मरा, 221 लोग का तो मौत हो चुकी है, एक दो लड़की का तो सामूहिक बलात्कार तो वीडियो चला है, कितने बच्चियों का लड़कियों का हुई है मणिपुर में, कोई हिसाब है? त्रिपुरा के वीडियो अगर हम रिलीज करेंगे कोई नहीं देख पाएगा, चॉपिंग ऑफ हैंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बेशरम लोग के पर हम तो पार्लियामेंट में तो उठाएंगे, प्रेसिडेंट भी जाएंगे, लगातार करेंगे, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रॉन्गर देन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। यू ऑल आर आवर इंडिपेंडेंट वॉइस, माई रिक्वेस्ट इज दिस द ओनली वे दे अंडरस्टैंड। चुनाव हारने का वही भाषा ये लोग समझते हैं और कोई भाषा समझते नहीं है। अगर इनको उम्मीद आप करते हो कि तनिक से भी लोक लाज है तो आप सब लोग गलत फहमी में। एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स ऑन एनी अदर टॉपिक कैन आस्क मी? Any other issue you can ask me? We can answer. No? We can, obviously we can answer. देखिए, मैंने कहा ना कि तनिक से जांच नहीं है, कोई और सरकार अगर होती तो कहते कि बहुत ही अफसोसजनक घटना है, अहंकार देख लीजिए। इसलिए जो ये लोग मार रहे हैं लोग को, और कोई होता अगर हमारे क्षेत्र में होता, झारखंड में होता, हमारी सरकार होती, तो हम पहले तो माफी मांगते कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अजय आलोक बना तो यार अहंकार ही सुपर मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ इन्फिनिटी है। अहंकार इनके प्रवक्ता का देख लीजिए, इतनी अहंकार और गुरूर में रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ भी बोल देता है, कोई लगाम ही नहीं है ब्रेन और जबान के बीच में। आप माफी मांगिए, घटना हुई है, किसी के पिताजी की मौत हुई, हत्या हुई है, संवेदना प्रकट करने के जगह पर आप ऐसे ओछे टिप्पणी करते हो कि वहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। इस पॉलिटिक्स से निकलना पड़ेगा कि 50 साल पहले यहां सीतामढ़ी में ऐसा हुआ था, ऐसा थोड़ी चलता है। आप अभी सत्ता में हो, माफी मांगो, और आप लोग इनको बोलिए बकवास बंद करें, माफी मांगे। कुछ कर नहीं पाते तो कम से कम अहंकार और गुरूर तो छोड़ो और आंगे। जिसके जिसके परिवार में जो मौत हुई है, अपना संवेदना पकड़ करके प्लीज से सॉरी, वी आर वेरी सॉरी विद व्हाट्स हैपेंड विद मुकेश जी फादर एंड एनी फादर इन दिस कंट्री और एनी गर्ल इन दिस कंट्री। यू नो, इफ वी मेक मिस्टेक्स इन आवर स्टेट्स, वी आर सॉरी एंड वी शुड बी सॉरी। जी सर, आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, और अगर हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखिए, प्रॉब्लम हमेशा कि सीरियल लायर है, जन्मजात दंगाई तो है ही, सीरियल लायर है। ये जेडीएस ने कराया था, अब बताओ ना, एक चीज बताओ, वो रिजर्वेशन रिलीजियस पर नहीं था, बैकवर्डनेस पर था, और इनके जो सरकार ही गिर जाएगी तेलुगु देशम का। पहले अमित शाह को बोलो कि पहले नायडू को हटाए, ठीक है, नायडू को पहले बर्खास्त करो, या नायडू से समर्थन लेना बंद करो, जेडीएस से समर्थन लेना बंद करो, तब अपने जो है मुंह खोलिए मिस्टर अमित शाह। आंध्रा में नायडू गवर्नमेंट का जो बाय रिलीजन है, कर्नाटका में इट्स ऑन बैकवर्डनेस। तो पहले तो अमित शाह जो इतना जो ढिंडोरा पीटता है ना, तो बोल दीजिएगा कि पहले बोलने से पहले
अगर हिम्मत है तो नायडू को बोलिए समर्थन हटा दो, बोलो कि समर्थन नहीं चाहिए। सर मोदी जी अमित शाह जी को निकाल देंगे। टेल अमित शाह, मिस्टर अमित शाह टू गो एंड टेल मिस्टर नायडू वी डोंट वांट योर सपोर्ट, यू आर डूइंग दिस, नो प्रॉब्लम। सर मेरा सवाल है, तौकीर रजा है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि सामूहिक धर्मांतरण वो कराएंगे जिसमें 15 हिंदू के लड़के और मुस्लिम हिंदू लड़कियां हैं, वो सामूहिक धर्मांतरण उनका मुसलमानों में होगा। ऐसा लगता है कि आपको इस तरह से करके कहीं ना कहीं एक समाज को तोड़ने के काम कर रहे हो? हर समाज में इस तरह के सरफरे लोग हैं। इस तरह का जो है फोर्स कन्वर्शन इज इलीगल, पहली बात है। जो भी इस तरह का गलत काम करते हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें स्पष्ट है। कोई भी धर्म, जब भी कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म का इस्तेमाल करता है ना, तो गारंटी ले लो कि अधर्म फैलने वाला है, कोई भी हो। ये भी उचित कार्रवाई कीजिए, कानून में तो बहुत सारे धाराएं हैं इसके लिए। ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए जो है, पता नहीं ये भाजपा का सदस्य है कि नहीं, क्योंकि इनकी तो स्पेशलिटी वही है। चेक कर लीजिए, हो सकता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो उपाध्यक्ष होगा उसी जिला का। नहीं सीरियसली, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लेना कि बीजेपी का है कि नहीं, स्पेशलिस्ट है सब में। सर आपने मणिपुर का जिक्र किया, त्रिपुरा का जिक्र है, कोल्हापुर में भी हिंसा हुई है, जिस तरीके से मस्जिदों के ऊपर हमले हुए हैं, खासतौर पर घरों में घुसकर के तोड़फोड़ की गई है। देश के प्रधानमंत्री का 1.5 घंटे का स्पीच होता है जिसमें मणिपुर फ्रंट पर आकर के विपक्ष चिल्लाता रहता है, देश के मंत्री मणिपुर पर शब्द नहीं बोलना चाहते, राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति आप कर रहे हैं, वो मुसलमान शब्द लेना नहीं चाहते, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि कोई कार्य हो पाएगा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, या इसी तरीके से हिंसा चलती रहेगी? और अगर हिंसा चलती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कार्य करेगी इसे रोकने के लिए? फिर देखिए, रोकने का एक ही तरीका है, इनको सत्ता से भगाइए, ये और कोई भाषा समझते नहीं है। संविधान पर विश्वास कीजिए, माइनॉरिटी के ऊपर हमला हो, SC के ऊपर हमला हो, कोई जनरल कैटेगरी के महिला का बलात्कार का केस हो, हर जगह उसको कंडम कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन मॉब लिंचिंग के बारे में काफ़ी बातें राहुल जी ने कई बार उसको बात को रखा, खड़गे जी ने कहा है। ये लोग सिर्फ चुनाव हार के समझेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे राहुल जी ने कहा गुजरात से भी भगाएंगे, महाराष्ट्र से तो भगाएंगे पक्का, महाराष्ट्र से भगाएंगे। और दिस इज ओनली अंडरस्टैंड, उनको लगता है कि इससे वोट मिलता है, अब पब्लिक भी समझ गई है। अजय सर लास्ट क्वेश्चन। ओके मैम, two questions I yes, have. Ma'am. Sir, one is from Chhattisgarh, as the PSC scam. Now the CBI has taken over the investigation. BJP is saying ki aap log kehte the misuse of agencies, but now it was the Chhattisgarh government which was earlier of the Congress party, jinhone recruitment mein itna bada scam kiya hai, apne jo parijan hai unko ye jobs di thi, ye offers diye gaye the, jiski wajah se bahut sare jo youth hai unko affect hua tha, aur ab CBI is pe investigation karegi aur जो है सामने आ जाएगी। फर्स्ट योर रिएक्शन ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू नोटिस्ड व्हेनेवर वी क्वेश्चन द गवर्नमेंट देयर इज अ न्यू स्टोरी व्हिच वी स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द मीडिया मैडम, ठीक है ना? पूजा खेड़कर, हाउ डिड शी गेट रिक्रूटेड, आई वाज सीइंग अ मेडिकल रिपोर्ट, आई हैव आल्सो गिवन द UPSC, द ओनली मेडिकल विकेट एक्सेप्टेबल इन द UPSC वाज from the All India Institute of Medical Science or GB Pant Hospital, one of these hospitals when you come for your final interview after selection. Delhi ke hospital mein aapko jo medical tha uske baad aapko certificate diya jata hai. This was the standard UPSC rule. I am 100% sure. Aap ek kaam kar lo. Jitne bhi BJP ke neta ke parivar jo IAS aur IPS mein safal hue hain, unka interview marks nikal do RTI ke dwara. Just do this as a press. I'm telling you, you'll know that what a fraud this RSS BJP combine is doing. You see the interview marks of all the relations, including the gentleman who is right now in the Lok Sabha. Please get all the marks of all the netas, and it is available, RTI. They have to give you the interview marks of all the relations of the Bharatiya Janata Party, and you will see that how they have manipulated the system. Jab IAS aur IPSC ne bacha to baki kya hai? देश अराजकता पर ही जा रही, इंस्टीट्यूशन जो राहुल गांधी बोल रहे थे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल प्रेस ऑफ द नेशनल प्रेस, इट इज वेरी इजी टू गेट द RTI ऑफ ऑल द रिलेशंस ऑफ बीजेपी, यू नो वर इन द सर्विसेज, वन गाइज डॉटर इज ऑलरेडी देयर, एंड गेट द इंटरव्यू मार्क्स, शी मे बी गुड शी मे बी बैड बट यू विल नो।
कि 250, 230, 250 में से आउट ऑफ 250, 230, 240 मिला है। सूची बनाइए, आपको मालूम होगा कि इस देश में किस तरह के आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं और किस तरह का सिस्टम ही खोखला हो गया है। अब एक ही परीक्षा इस देश में हम लोगों को विश्वास था, हमें परीक्षा के ऊपर इस देश पर विश्वास था, वो भी खत्म हो गया है थैंक्स टू बीजेपी। सर अनदर क्वेश्चन, आई हैड टू क्वेश्चन सर, वन ओके ओके लक्ष्मी सर, योर ओन कांग्रेस लीडर रागिनी नायक हैड मेड अ ट्वीट इन विच शी हैड पोस्टेड अ वीडियो ऑफ आम आदमी पार्टीज राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा हु वेंट टू सी द विंबलडन फिनाले एंड शी हैड सेड दैट दे हैव गॉट द विचेस ऑफ वर्थ रुपीज 8 to 10 lakhs बट ही कॉल्स हिमसेल्फ एज अ आम आदमी सो नाउ शी हैज डिलीटेड दैट ट्वीट बट द बीजेपी इज टेकिंग अप दिस मैटर एंड दे आर सेइंग दैट अर्लियर बोथ द पार्टीज वर इन एन अलायंस बट नाउ दे आर fooling the people, they were in alliance and now they are targeting each other. So what's your reaction to that? No, first question is, we have made it clear we are fighting Delhi alone and Haryana alone. So where's the question of, we said at the national level, we had an alliance, which is a fact. And in the state election, we found out that it is not in the interest of the people to fight with the Aam Aadmi Party. We fought against them, so that's not it. And what Ragini said, I think what Ragini was trying to highlight was, it's an expensive ticket, and I mean that she should be able to answer it. For me to say it is not appropriate, and personal life I don't normally want to comment. He went to see a tennis match, what can I say? That's his right. It's not good optics, that's all I can say for Mr. Raghav Chatterjee. Sir, Rajasthan Sarkar mein ek mantri hai Jhabar Singh Kharra. उन्होंने इस तरह का एक इंडिकेशन दिया है कि शायद सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून आ सकता है जिसमें जिनके दंपतियों के पास दो से ज्यादा बच्चे हैं जिनके, उनको जो सरकारी सुविधाएं वो ना मिले। हालांकि जब प्राइवेट मेंबर्स बिल आया था इस पे तो सरकार ने सदन में कहा था कि कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन अब दोबारा से इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं। अगर लाती है सरकार तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? नहीं देखिए, पहले तो इस हमें पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कितने एमपी हैं, 240 है, उनके कितने बच्चे हैं पहले गिन लो और टिकट देना बंद कर लो। जितने भी भाजपा के एमएलए हैं पहले, या नेताजी को बोलिए बकवास बंद करें, अपने एमएलए को बर्खास्त कर दो, नया एमएलए को टिकट दे दो। सिंपल, लीड बाय एग्जांपल। जितने एमएलए एमपी से जो बीजेपी के दोस्त से जा रहे हैं, मैं तो झारखंड में गिना दूंगा कि 80% 5 से ज्यादा है। तो प्रॉब्लम वही है ना कि कुछ भी कभी भी कहीं पर भी ठीक है। थैंक यू, ओवर प्लीज, आई टेक इट सेपरेटली। ओके या गो अहेड। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने हरियाणा में कहा है कि मुसलमानों का जो ओबीसी का आरक्षण है वो मुसलमानों को दे देती है कांग्रेस, और हम अगर आएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसे लेकर आप। तो मैडम, मैंने जवाब दिया था, चंद्रबाबू नायडू जो है, हमने तो बैकवर्डनेस पे दिया था कर्नाटक में, चंद्रबाबू नायडू ने भाई रिलीजन किया था, तो नायडू से पहले समर्थन बोलते, नायडू समर्थन मत दे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हम तो जो है खुश रहेंगे कि अमित शाह कितना है। लेकिन अमित शाह जी डरपोक आदमी है, कभी नहीं करेगा, आपको गुमराह करेगा, तो इसे प्लीज डोंट वरी। अमित शाह हैज अ हैबिट, टेल हिम टू स्टॉप टेकिंग सपोर्ट, सैक कुमारस्वामी जेडीएस बिकॉज दे ब्लॉक द रूल, स्वामी को पहले सैक करो, टीडीपी का एमपीज को सैक करो, लिखो कि हमको समर्थन नहीं चाहिए, मोदी जी जो है फकीर बनने के चक्कर में झोला उठा करके तैयार हो गए। ठीक है, थैंक यू।